दोस्तों, अगर आपको भी इंस्टाग्राम पर नो इफेक्ट का एरर देखने को मिल रहा है, जब भी आप स्टोरी में फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हो तो नीचे आपको नो इफेक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आजकल काफ़ी सारे लोगों को आ रही है। बट इस प्रॉब्लम को मैंने फिक्स किया, परमानेंटली फिक्स किया है। किस तरीके से फिक्स किया ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर प्रूफ देख सकते हो। मैं आपको सबसे पहले प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, मैं फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं फिल्टर यूज़ कर पा रहा हूँ। सेम आईडी है, सेम चीज़ें हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही और यहाँ पर मैं फिल्टर बेहद आसानी से इस्तेमाल कर पा रहा हूँ इंस्टाग्राम का। अगर आप में ये नो इफेक्ट आ रहा है तो इसे आप किस तरीके से फिक्स करोगे, ये सब मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। तो यार, वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहो और इसका क्या कारण है ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम अकाउंट कुछ इस तरीके से लॉगिन रखना है। ऊपर में आप इसकी आईडी देख सकते हो, यूजर नेम देख सकते हो, गूगल अंडरस्कोर ट्रिकी, ठीक है, इसमें यह प्रॉब्लम आ रही है। तो अब हम लोग इसके फिक्स करने के लिए कुछ भी नहीं करते। यहाँ पे जो नो इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, इसे फिक्स करने के लिए दो तीन स्टेप्स है जिसे आपने फॉलो करना है। सबसे पहला चीज है, आपको अपना अकाउंट लॉगिन कर सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख लो, लॉग आउट का। तो आपको अपना जो अकाउंट है ना, सबसे पहले भाई साहब लॉग आउट करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका अकाउंट एक बार लॉगिन हो जाता है तो बरसों बरसों तक लॉग आउट नहीं होता है। उसके बाद अपने इंस्टाग्राम ऐप पर हल्का सा प्रेस करके रखोगे, ऐप इन्फो में जाओगे, स्टोरेज में जाओगे और वहाँ से जाकर इसका कैसे क्लियर कर लेना। कैसे बहुत लोगों का जमा हो जाता है, वो क्लियर ही नहीं करते एप्लीकेशन का जो लॉक क्रिएट होता है, तो उसे आपने क्लियर करना है। इसके बाद तीसरा स्टेप है भाई, आपका जो एक्टिव टैब्स होगा इंस्टाग्राम का जितना भी, उसे आपने क्लोज कर देना और क्लोज करने के बाद अपने इंस्टाग्राम को अपडेट करके देखना। अपने प्ले स्टोर में जाना है, ऐप स्टोर में जाना है और वहाँ चेक करना कि भाई ये अपडेट तो नहीं मांग रहा। अगर ये अपडेट मांग रहा हो तो अपडेट कर लेना, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो मेरे में अपडेट नहीं मांग रहा था। तो दो स्टेप करके ही हम दोबारा से लॉगिन करते हैं और लॉगिन कर आपको दोबारा से चेक करना है कि भाई, बहुत सारे लोगों का जो भी है ना ये प्रॉब्लम इतने स्टेप्स के बाद ही फिक्स हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे दोबारा से चेक करते हैं तो स्टिल हमारे में नो इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो अभी भी हमारी ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुई है। तो अब इस प्रॉब्लम को किस तरीके से फिक्स करोगे, हमने दो तीन स्टेप तो कर लिया लेकिन इसके बाद भी फिक्स नहीं हुई, तो आपको भाई साहब कुछ भी नहीं करना है। गूगल क्रोम में जाना है, यहाँ पर सर्च करना है भाई अप टू डाउन। यहाँ पर जैसे आप अप टू डाउन करोगे सर्च, यहाँ पर फर्स्ट लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर लेना। कुछ इस तरीके से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा, ऊपर में सर्च वाला आइकन मिलेगा, उस पर सर्च कर लेना इंस्टाग्राम ओल्ड वर्जन। जी हाँ दोस्तों, आपको इंस्टाग्राम का ओल्ड वर्जन चाहिए तो आपको सेकंड लिंक मिल जाएगा, सेकंड वाले ऑप्शन पे मिल जाएगा इंस्टाग्राम, वहाँ पे गेट लेटेस्ट वर्जन भी मिलेगा, लेकिन उसी के नीचे आपको ओल्डर वर्जन का भी एक ऑप्शन शो करेगा। तो आपको ओल्डर वर्जन पे क्लिक करना है और नीचे काफ़ी सारे इंस्टाग्राम के वर्जन आपको दिख जाएंगे। तो बट इनमें से आपको कौन सा इंस्टॉल करना है, 15 अगस्त या उससे पहले वाला जितना भी इंस्टाग्राम है उनमें से आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो, बट 16 अगस्त वाला बिल्कुल भी यूज़ मत करना। आपको 15 अगस्त या उससे पहले वाला इंस्टाग्राम चाहिए तो आपने उसे इंस्टॉल कर लेना, जैसे कि मैंने यहाँ पे करके रखा है। इंस्टा प्रो इसका नाम है, इसका लिंक वैसे मैं टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा तो वहाँ से भी आप इसे जाकर इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसे इंस्टॉल करने के बाद दोबारा से हम लोग स्टोरी में चलते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं। तो भाई साहब, यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास फिल्टर शो कर रहा है, तो फिल्टर का यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिल रही है, बेहद आसानी से यह प्रॉब्लम फिक्स हो गई। अब ये बात आती है कि भाई ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है, ठीक है, क्या कारण है इस प्रॉब्लम का। तो प्रॉब्लम यह है कि भाई इंस्टाग्राम का जो न्यू अपडेट आया हुआ है उसमें ये ग्लिच है, उसमें कुछ बग है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज आपके अकाउंट पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तब तक जब तक ये बग फिक्स नहीं हो जाता तब तक आप इंस्टा प्रो का यूज़ कर सकते हो।